मजे की चीज है। मकतब, मकतब कहते हैं स्कूल को, क्लास को। तो मकतब इश्क और मकतब मौसीकी का ये देखा निराला दस्तूर, उसको छुट्टी ना मिली जिसका सबक याद हुआ। यानी जिसको ये लेसन याद होता है उसको फिर जिंदगी भर छुट्टी नहीं मिलती। मेरे वालिद, मेरे पिताजी और उनके पिताजी मुरव्वत खां और उनके पिताजी गैरत खां, ये तीन पीढ़ी चार पीढ़ी से हमारे यहाँ ये सिलसिला चला आता है। अब मेरे और भी भाई थे मगर उनमें ये बात पैदा नहीं हुई, क्योंकि क्या होता है कि कोई खानदान और फैमिली में से कोई एक ही आदमी ऐसा निकलता है जो कि पूरे खानदान का नाम रोशन करता है। Thank you.
मेरा मतलब है संगीत में जिसमें नहीं है तो उसमें शेक्सपियर ने कहा है कि वो आदमी पे भरोसा कभी मत करना, कोई भरोसे की बात उससे मत करना, कोई लेन देन की बात मत करना अगर उसमें संगीत नहीं है तो। वो एक ज़माना था कि जब गाने बजाने वालों को जादूगर समझ जा करते थे, मगर अब तो क्या है कि अगर तानसेन जी भी आ जाएंगे तो लोगों को इतनी तालीम हो गई है कि नहीं साहब उसकी गंदार ऐसी है, ये तो जो है ये गंदार तो काफ़ी में लगती है, ये शाहाना में कैसे लगा रहे हैं, ये दरबारी में लगती है। तो आजकल मैंने कहा तो आजकल का ज़माना बड़ा बदल गया है, लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, साइंस बहुत आगे बढ़ गई है और मीडिया इतना। चलता है मसाज है, करना पड़ेगा थोड़ा, गोली खाना पड़ेगा। ये है जब 8-8 घंटे रियाज करते थे तो ये आसन से बैठते थे, ये भी एक आसन है, जैसे पद्मासन है, हलासन है, अपने यहाँ कितने आसन है, ये भी एक आसन है, ऐसा बैठते हैं। तो हमने तो बहुत मेहनत की है, 8-8, 12-12 घंटे तो अभी उंगली कट जाती थी। तो आता था भिलावा, एक भिलावा जो वॉशिंग में कपड़े पे लिखते हैं ना, वो भिलावा जख्म पर डाल देना तो वो भर जाता है, फिर वहीं लेके उसमें सेकना, 5 मिनट सेका फिर बजाओ, एक साथ कंटिन्यूस तो बजा नहीं सकते। वो बोलते हैं ना 8-12 घंटे रियाज करते तो कंटिन्यूस नहीं हो सकता, तो मर जाएंगे आप, तो ह्यूमन बींग इंसान है, उसके लिए मन नहीं होता है बराबर। वो है ना, वो मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलता है फिर गुले गुलजार होता है, ऐसा होता है, ये सब बड़ी बातें हैं। Thank you.
गूंज उठी शहनाई में। अब वो फिल्म का मामला था, हीरो और विलेन, तो हीरो थे बिस्मिल्ला जी और विलेन थे हम, तो वो कोई एक जुगलबंदी नहीं, वो 3.5 मिनट के लिए अच्छा लगता है। कोई प्रोग्राम के लिए आते हैं लोग, गाने बजाने में बड़ा मज़ा है, प्रोग्राम के लिए लोग आते हैं, भाई आपका रेडियो में हमने सुना, आपकी पार्टी में कितने लोग हैं? मैंने कहा भाई पार्टी तो सवाल नहीं है, क्योंकि वो क्या समझे, कहीं शादी में ले जाना था बजाने को, तो बैंड बाजा आता है तो कम से कम बैंड बाजे में 30-40 आदमी तो रहते हैं, कोई क्लैरिनेट बजा रहा है, कोई ट्रम्पेट बजा रहा है, समझे ना, तो कोई वो झोलोफोन बजा रहा है, तो ऐसे रहते हैं, तो समझे पार्टी का मामला होगा इनका। तो मैंने कहा भाई शादी में तो नहीं, मगर शादी के 2 दिन पहले या बाद में मैं बजा सकता हूँ। तो ये किस्सा है कम से कम 1940 का, कब का, 1940 में। तो आपके क्या सेवा की जाएगी, आपकी फीस कितनी है? तो उस ज़माने में 1940 में 300 लेते थे हम, 300 रुपये, 250, 200 यही चलता था सबका, बड़ा से बड़ा आदमी का। तो मैंने कहा 300 रुपये देंगे, अच्छा अच्छा फिर हम आपको खबर करेंगे ज़रूर। बाहर निकलते निकलते बातचीत हुई, मैं दरवाजे तक गया सीढ़ी पे, अरे बोले इसका दिमाग, और कितने आदमी रहोगे आप? मैंने कहा हम 3 आदमी रहेंगे, मैं तंबरे वाला और तबले वाला। अच्छा, बोले 300 में 3 आदमी, 50 रुपये में हमें कम से कम 40 आदमी मिलते हैं बैंड बाजे के, इसका दिमाग बोले ख़राब हुआ है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ। किसी ने कहा कि वहाँ जाके फॉरेनर को आप संगीत समझाना, और जाओगे जा रहे हैं तो बड़ा मज़ा आएगा, मुझे वहाँ क्यों भेजते हो, यही फॉरेनर बहुत हैं जो हमारा संगीत नहीं समझते, उन्हीं को फॉरेनर बोलता हूँ मैं, यही काफ़ी है, ऐसी बात है। और ये भैया कहाँ टाइप आगरे वाले, Thank you.
भाग की बात है कि इतना मुझे समय मिला कि थोड़ा मैंने पढ़ा, उसको आगे बढ़ाया, लोगों के फलसफी, उनकी ज़िंदगी, उनकी सब चीज़ें देखने में आई, पढ़ने में आई, बड़ा लुत्फ आया। उसके बाद यही है कि ये सब पढ़ने से आपको प्रेरणा मिलती है, और प्रेरणा मिलने के बाद फिर जब आप सितार बजाते हैं तो उसमें वो जो प्रेरणा है बहुत मदद करती है, और वो कब आएगी, कैसे आती है, वो समझना नहीं आता क्यों आती है, कहाँ से आती है। Thank you.